बिहार में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही और इस बैठक से पहले बीजेपी ने 200 सीटों का जो दांव चला है वो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को रास नहीं आ रहा है। जेडीयू इस पर तंज कस रही है कि 200 क्यों, 243 पर तैयारी करनी चाहिए और इसे लेकर अब बीजेपी ने जवाब भी दिया है और इस नूरा कुश्ती का मजा विपक्ष उठा रहा है। 200 सीटों के दांव पर एनडीए में रार, बीजेपी की तैयारी पर जेडीयू ने कसा तंज, विपक्ष ने कहा जेडीयू को निगलने की तैयारी। बड़ी बैठक के साथ बीजेपी मिशन बिहार में जुटी है और इस मिशन में बीजेपी ने 200 सीटों को टारगेट किया है, यानी जेडीयू ने जिन सीटों को जीता है उसे छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी की निगाह है। यही रणनीति जेडीयू को रास नहीं आ रही है। अब वो 200 पार्टी को, किसी भी पार्टी को अधिकार है 200 सीट का, 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं, 243 पर कर सकते हैं, हर पार्टी को ये अधिकार है। जिस तरीके से जेडीयू ने बीजेपी की तैयारी पर तंज कसा है वो तंज बीजेपी को रास नहीं आया और फिर इसका जवाब भी उसी अंदाज में दिया गया। किसी के बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, हम 243 पर भी संगठन का काम पीछे किया, 40 लोकसभा में भी हम करते हैं। बिहार में 243 विधानसभा है, 40 लोकसभा है। भारतीय जनता पार्टी सारे पर काम करता है, जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा तभी एनडीए मजबूत। कोई भी पार्टी एक जगह तैयारी तो नहीं करती, तैयारी करती है दोनों जगह, यानी हर सीट पे। जो हम लड़ते हैं वो अपने लिए लड़ते हैं, जहां नहीं लड़ते हैं उसका लाभ सहयोगी को होता है। तो जदयू भी सब सीट पे अगर संगठन नहीं बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे, तो फिर गठबंधन कैसे हो। इस तलखी के बीच दोनों दलों के कुछ नेता विवाद को ठंडा रखना चाहते हैं। जदयू एक बार राजद के साथ हाथ मिलाकर देख चुकी है, तो अब जनता दल यू दोबारा राजद के साथ नहीं जा रहा। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं, कहीं नीतीश जी का मन बदल गया चले गए तो? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नीतीश जी को भी जानता हूँ और बिहार की राजनीति को भी जानता हूँ। अरे भैया, क्या निभाना चाहती है उनसे पूछ लीजिए, लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम, स्वाभाविक कार्यक्रम, बिल्कुल ऑलिजिबल है, इसमें क्या दिक्कत। जिस तरह के रिश्ते जेडीयू और बीजेपी के हैं वो असहज हैं, जिसे दोनों दलों के नेता भी मानते हैं, लेकिन सत्ता के लिए इसे भी जायज मान लिया गया है। तो वहीं विपक्ष को लगता है कि बीजेपी अब जेडीयू को निगलने की तैयारी में जुटी है। तो अब तो जेडीयू को सोचना है कि शेष बजे 43 सीट पे मांझी जी भी लड़ेंगे, नीतीश जी भी लड़ेंगे, चिराग पासवान जी रहे तो वो भी लड़ेंगे, तो बच क्या गया। तो मुझे लगता है कि अब जेडीयू मझधार में फंसने वाला है और ये गठबंधन पूरी तरह से अनैतिक है, अविश्वास के डोर पर से बंधा हुआ है। इसे गठबंधन को जाना है, क्योंकि भाजपा जदयू को निकलना चाह रही है, जदयू अपनी आभा प्रकट करना चाह रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो जिस रणनीति के तहत काम कर रही है उस पर काम करेगी, लेकिन जेडीयू क्या करेगी, बड़ा सवाल है। क्या वो बीजेपी के सामने झुकेगी या फिर सत्ता के लिए बीजेपी को मजबूर करेगी और फिर झुकाएगी। इंतजार कीजिए कि क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।